हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों यहाँ पर गिवन और टू प्रूव निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा और उसमें से दोस्तों आपको गिवन टू प्रूव लिखना होगा, तभी दोस्तों आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है यूजिंग बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब समझे, समझाता हूं। यहां पर ट्राइंगल दिया है, ए बी सी दिया हुआ, ठीक है, और यहां पर डी जो है दोस्तों मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट नहीं है, डी मिड पॉइंट है, ठीक है। और आपको यहां पर प्रूव ये करना है कि ए ई अपॉन ई सी ये क्या है दोस्तों, इक्वल है। आपको समझ में नहीं है, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, लिख कर बताता हूं। यहां पर लिखेंगे इस तरह से कि गिवन, गिवन में दिया हुआ है कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, और इसमें दोस्तों एक जो है साइड में जो है डी या फिर ई, कोई दो में से दोस्तों एक ले लो जो मिड पॉइंट है। तो यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहां पर, ये लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया हुआ है। चलो अब क्या होगा दोस्तों, आपको प्रूव लिखना होगा, क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव क्या लिखेंगे, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये मुझे प्रूव करना है, राइट। तो यहां पर मैं प्रूफ में लिखूंगा अब मैं कि भाई इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हो तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर, ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। प्रोपोर्शन मतलब यहां पर हो जाएगा ए डी अपॉन यहां पर डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन यहां पर ई सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रिजल्ट 1 हो गया। कैसे आया, बाय बी पी टी से आ गया, क्लियर हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हो गया। अब यहां पर ध्यान दोगे, और एक चीज गिवन में दिया हुआ था, जैसे कि यहां पर पैरेलल से ये मुझे मिल गया, और यहां पर और एक गिवन दिया था D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये कहां पे काम आएगा, तो आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर लिखोगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर मैं, कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर D अगर मिड पॉइंट है ए बी के, मतलब क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। किसका डिस्टेंस सेम होगा, तो यहां पर को बता देता हूं मैं, अगर आपका डी मिड पॉइंट है तो ए डी और यहां पर डी बी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा कि भाई ए डी इक्वल टू डी बी, ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा एकदम। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहां पर ए डी इक्वल टू डी बी दिया हुआ है, तो अगर मैं यहां पर ए डी और ये डी बी को मैं अगर यहां पर नीचे लिखता हूं, तो मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं डी बी को फिर से मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ, तो मुझे ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये मुझे मिलना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया, अगर ये मैंने लिख दिया मैंने, तो यहां पर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 है, तो यहां पर पहले जो रिजल्ट लिखा था मैंने, वहां पर क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसका मतलब ये हो गया कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1, ये भी 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल में थे, राइट। तो अगर ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू 1 है, तो यहां पर ए ई अपॉन ई सी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो अब मैं अगर ई सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, यहां पर ए ई इक्वल टू ई सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो देखिए ये प्रूव हो गया, ए ई इक्वल टू ई सी। देखिए दोस्तों आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूं, और 8 का दोस्तों डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, डायग्राम आपको बनाना होगा, तो क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम बनाना होगा, राइट। तो यहां पर क्या दिया है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब यहां पर जो है दोस्तों कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होने वाला है, राइट। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इसका मतलब ये दोस्तों कि ट्राइंगल बना लोगे आप, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मिड पॉइंट आपको लगाना है। तो यहां पर दिया है टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड,
तो यहाँ पर क्या दिया, समझ में आया समझ में नहीं आया, तो सुनने में मजा आया राइट। लिख कर बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखोगे गिवन, गिवन में क्या लिखोगे कि भाई इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ये मैंने लिख दिया मैं, ठीक है। और यहां पर प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी, ये मुझे प्रूफ करना था राइट। तो यहां पर लिख दिया मैंने। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रूफ लिखेंगे, और जो गिवन में दिया है उसका हेल्प लेंगे, जिससे दोस्तों प्रूव कर पाए इजीली हम लोग। तो यहां पर डी और ई मिड पॉइंट दिया हुआ है तो उसी को लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी अगर मिड पॉइंट होगा ए बी का तो क्या होगा, यहां पर क्या रिजल्ट क्रिएट होगा कि ए डी और डी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा कि भाई ए डी इक्वल टू डी बी राइट, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे राइट। तो अगर इक्वल है तो यहां पर लिख सकता हूं इस तरह से कि भाई ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू वन, क्योंकि दोस्तों फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा राइट। तो ये क्या हो गया मेरा रिजल्ट, मेरा वन हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहां पर और एक दिया था ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यहां पर लिखता हूं मैं, एक काम करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं यहां पर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है तो डायग्राम देखोगे तो यहां पर ए ई अपॉन ई सी क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं ए ई इक्वल टू ई सी राइट। अगर यहां पर ए ई इक्वल टू ई सी आ गया तो यहां पर लिख सकता हूं इस तरह से कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू वन, क्यों वन, क्योंकि दोस्तों फिर से मल्टीप्लाई करूंगा ई सी को वन के साथ तो ई सी ही मिल जाएगा। अगर यहां पर कुछ और नंबर लिखूंगा तो ई सी तो नहीं मिलेगा ना, तो दोस्तों ऐसे यहां पर क्रिएट करना होगा। तो इससे क्या हो गया, ये मुझे मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट टू हो गया ठीक है। तो यहां पर देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिला कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू वन है, और यहां पर भी देखोगे AD upon DB equal to 1 है, मतलब क्या हुआ दोनों इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon यहां पर EC। तो ये क्या हो गया, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे दोस्तों यहां पर जो पीछे दिया हुआ है कि यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर D, यहां पर E और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर AD जो है ये है, DB ये है, AE ये है और ये EC है राइट। तो हमें जो पैरेलल प्रूफ करना है वो तो हो गया कन्वर्स ऑफ BPT से। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, कैसे हुआ, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम थ्योरम से ये सम इजीली हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो आपको ईजिली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।